हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिजी बैंक सेविंग्स अकाउंट के अंदर कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो इस डिजी बैंक सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप किसी दूसरे फ्रेंड या किसी को आप बोल सकते हैं पैसे सेंड करने के लिए, या फिर आप अपना खुद का भी फंड कर सकते हैं अकाउंट। तो आज आप मैं आपको दोनों के दोनों तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं कि आप खुद अपने अकाउंट के अंदर कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है, जैसे लोग पेटीएम के अंदर पैसे ऐड कर सकते हैं, लगभग सिमिलर तरीका है जैसे आप इसके अंदर भी पैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, जब आप लॉगिन कर लीजिएगा अपना अकाउंट, तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा जो आपको अभी सामने मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तीन लाइंस दिख रही हैं, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर से माय अकाउंट चूज कीजिए। माय अकाउंट चूज करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि फ़ंड माय अकाउंट है, फ़ंड माय अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिए, वैसे ही आपके डिवाइस को ये ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेट करने के बाद आपसे बोल रहा है कि आपके पास तीन तरीके हैं आपके अकाउंट को फ़ंड करने के लिए। सबसे पहला, फ़ंड फ्रॉम अदर बैंक्स, मतलब कि अगर कोई आपका दूसरा फ्रेंड आपको पैसे सेंड करना चाहता है तो वो NEFT करके या फिर IMPS करके पैसे सेंड कर सकता है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारी की सारी डिटेल्स दिखाई देगी आपको अपने अकाउंट की। जैसे इसके अंदर आपको डिटेल्स अभी दिखाई दे रही है, तो आप ये डिटेल्स आप किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और वो आपके अकाउंट के अंदर पैसे डाल सकता है। दूसरा तरीका है फ़ंड विद डेबिट कार्ड। तो मैं इस फ़ंड विद डेबिट कार्ड को आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, फ़ंड विद नेट बैंकिंग। तीसरा फंड विद नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग डेबिट कार्ड चूज करते हैं। जैसे ही आप डेबिट कार्ड चूज कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं पहले से मैंने बहुत सारे ऐड कर रखे हैं, तो एक और न्यू डेबिट कार्ड आप ऐड कर सकते हैं। और आपको चूज करना पड़ेगा वीज़ा डेबिट कार्ड या फिर मास्टर डेबिट कार्ड, जो भी आपका है, वीज़ा है या मास्टर है, आप उसको अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। मेरा वीज़ा है तो मैं चूज करता हूँ, और थोड़ी प्राइवेसी के कारण मैं इस वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। जब इस पूरे को आप भरिएगा तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और नया पेज खुलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नया पेज कैसा खुलेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको अमाउंट लिखना है कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हैं। तो मैं आपको अभी जैसे 100 रुपये ऐड करके दिखाता हूँ। 100 पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कीजिएगा, फिर आपके डिवाइस को ये ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको बैंक के पेज पर ले जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं कि ये अगला पेज मेरे बैंक का खुलेगा, मेरा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके ऊपर आपको OTP एंटर करने के लिए बोलेगा। तो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है आपके अकाउंट के साथ, जिस अकाउंट से आप कर रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए, आपके मोबाइल पर जो OTP आया है। जैसे मेरे मोबाइल पर भी OTP आ चुका है, दूसरा मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर आ गया है OTP, वो है 8282 8214। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने OTP डाला, ये अगला पेज खुल जाएगा जिसके अंदर मुझे दिखाएगा कि सक्सेसफुली योर मनी हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे पैसे ऐड हो गए। सो योर टॉप अप इज़ इन प्रोग्रेस, ये एक्चुअली लिख ऐसा रहा है इन प्रोग्रेस, मगर आपको अभी आगे जाने के ऊपर दिखाई देगा कि ये अकाउंट के अंदर आ चुका है पैसे। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए पहले मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ था, अब ये 200 हो गया है। तो आप इस सिंपल ढंग से आप पैसे ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। और मुझे पिछले वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए थे कि आप सर बताइए कि कैसे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, और इससे पहले आपने डिजी बैंक के ऊपर मेरा एक और वीडियो नहीं देखा है जो कि स्टार्टिंग ट्यूटोरियल है कि आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, या फिर इस वीडियो के जस्ट ऊपर में एक आई का आइकन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो का भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। और उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे इस ऐप के थ्रू अर्निंग भी करना है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। अगर आप देख लिए हैं और आपको पैसे ऐड करने का तरीका नहीं मालूम था तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा तरीका था नेट बैंकिंग का, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि डेबिट कार्ड और दूसरा नीचे नेट बैंकिंग था, तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और आप अब देख सकते हैं कि आपका ट्रांजेक्शन्स कहाँ पर दिखाता है। तो फिर आप फंड अकाउंट के जस्ट नीचे सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपके ऊपर यहाँ पर आपके अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी 20 रुपीज़ का एक कोई शॉपिंग किया था मैंने, वो दिखाई दे रहा है, 1 रुपी 11 रुपी। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे आपके ट्रांजेक्शन्स दिखाएंगे डेट वाइज। तो आप अगर इनकेस आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी स्पेंडिंग्स कैसे है तो आप यहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके अंदर पैसे कैसे सेंड कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, तो वो भी तरीका बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप जाइए मेक अ ट्रांजेक्शन्स के अंदर, मेक अ ट्रांजेक्शन्स पे आप क्लिक कीजिए, फ़ंड ट्रांसफ़र पे आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप फंड पे ट्रांसफ़र पे क्लिक किए उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ कवर कर लेता हूँ कि अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो आप रेफ़र कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड को रेफ़र करना चाहते हैं तो, और उसने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप पे थ्रू मोबाइल पे क्लिक करके उसको 1 रुपी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे उस अपने फ्रेंड का नंबर डाल दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड का नंबर है, नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और 1 रुपी आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप 1 रुपी सेंड कीजिएगा आपके फ्रेंड के मोबाइल के ऊपर एक लिंक जाएगा और उस लिंक से उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद वेरिफिकेशन कराना है। जैसे ही वो वेरिफिकेशन कराएगा आपको 250 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए ये पे थ्रू मोबाइल का आप यूज़ कर सकते हैं रेफर अर्न करने के लिए। मगर अगर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है जिसके पास उसका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, तो आप सबसे ऊपर वाले पे यूजिंग अकाउंट कर सकते हैं। और पे थ्रू मोबाइल का यूज़ भी आप कर सकते हैं जब किसी और के पास डिजी बैंक का ही अकाउंट है और उसका आपको मोबाइल नंबर पता है, या फिर आप उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछ सकते हैं और पे थ्रू मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको पे यूजिंग अकाउंट करके बताता हूँ। जैसे ही आप पे यूजिंग अकाउंट करते हैं आपसे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, पे का नाम, ये सब पूछ लेता है। जैसे मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे अपने फ्रेंड के अकाउंट में, तो मैं उसका अकाउंट नंबर लिख दूंगा, ये एक्चुअली मैं अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने दूसरे अकाउंट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स जैसे ही आप भर देंगे वैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और इसके बाद वो आपसे बैंक का नाम पूछेगा कि जिस फ्रेंड को आप भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट का, बैंक का अकाउंट का नाम क्या है। तो मेरे बैंक के अकाउंट का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूँ। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज़ करते ही आपसे IFSC कोड पूछता है, तो IFSC कोड आप लिख सकते हैं इसके अंदर। IFSC कोड लगभग SBIN बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐसे ही स्टार्ट होता है। और आप अपने बैंक का, आपको अगर नहीं पता है तो आप जान के सर्च करके लिख सकते हैं। मुझे अपना बैंक का याद था तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। ओके, सो आई गेस मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग है, मुझे एक बार और देखना पड़ेगा। यस, ओके, मैं खुद सर्च कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो IFSC कोड मुझे पता चल गया कि उसमें 4 डिजिट था जो कि मैं गलत लिख रहा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक किए, आपसे वो पूछ रहा है कि कितने रुपए आपको सेंड करना है। तो आप जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने 100 रुपये सेंड करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर रहे हैं, वैसे ही आपके फिर इस मोबाइल को उसने वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई होगा, वैसे ही आपके इस मोबाइल से वापस पेमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सारा ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, और ये जिस अकाउंट में आपको सेंड करना था तुरंत सेंड हो जाता है। विद इन अ सेकेंड मैं बोल सकता हूँ कि आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ऐसी सर्विस अभी कोई भी नहीं दे रहा है जब इंस्टेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप IMPS करेंगे तो आप सेंड कर सकते हैं, मगर वो भी 5000 तक ही कर सकते हैं। और इसके अंदर आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और इंस्टेंटली आप पैसे सेंड कर सकते हैं विदाउट कोई टाइम कंज्यूम किए हुए। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और अगले वीडियो के अंदर आपके वो मैं डेबिट कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी बता दूंगा। और भी आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए, और मैं श्योरली आपकी हेल्प करूंगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है इस अकाउंट को हैंडल करने में, डिजी बैंक के अकाउंट को, तो मैं श्योर आपकी हेल्प करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और मैं जल्द ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। और आपने अगर मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।